गाइज आप सब लोग आ गए। मैं यार शेर हूँ, लेकिन मैं शेर भी नहीं दिख रहा। मेरी हालत तो देखो यार, कितनी पतली हो गई है। कौन बोलेगा मैं शेर हूँ? मैं एक टाइगर हूँ। नहीं यार, मैं ना टाइगर हूँ ना मैं शेर हूँ, मैं एक भीगी बिल्ली बन गया हूँ। हम लोगों का पूरा जंगल तबाह कर दिया इंसानों ने। ये देखो, यहाँ पे खतरनाक से जंगल था। अब मैं क्या करूँगा? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे तो रोना आ रहा है। सारे एनिमल्स मेरे परिवार को मार दिया, अब मैं क्या करूँ? कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन एक तो है, हमें इंसानों से बदला लेना है। जिन्होंने ये सब कुछ किया है, हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं। लेकिन हमें एक योद्धा चाहिए। अब हम कहाँ पे ढूंढेंगे योद्धा को? चलो यार, मैं फाइनली यहाँ पे फोटो खींचने के लिए माउंट चिलियाड के ऊपर आ गया। शेर, भागो 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 भागो। रुको रुको बच्चे। क्या बात करने वाला शेर? मैंने तो अपनी जिंदगी में पहली बार देखा है। हाँ, मैं बात कर सकता हूँ। तुम में कुछ दम लगता है क्या? तुम हमारी हेल्प करोगे? हमारे पीछे पीछे आ जाओ। मैं यहाँ का टाइगर हूँ, लेकिन ज्यादा दिन तक नहीं, मैं अब एक बिल्ली बन गया हूँ। क्या कह रहे हो? अरे रुको रुको रुको, मैं तुम्हारी तरह तेज भाग नहीं सकता। ये देखो, ये हमारी फैमिली है। अब हम लोग इतने ही बच्चे हैं। तुम लोग तो बहुत तेज भागते हो। बोलने वाला टाइगर तो बहुत ही खतरनाक है। वेट अ सेकंड, ये क्या चीज है? ये क्या, यहाँ पे इतने सारे एनिमल्स? अरे लेकिन ये तो जंगल में होने चाहिए। यहाँ पे क्या कर रहे हो तुम लोग? यहाँ से जाओ। वही तो मैं बात बोल रहा हूँ, अब जंगल रहा ही नहीं तो हम इतने ही जानवर बच्चे हैं। सब जीते जी मर गए। क्या कह रहे हो? जंगल के एनिमल्स? यार कितना दर्द हुआ होगा इन लोगों को। तुम लोगों को जंगल से निकाला गया, ये तो गलत बात है। देखो गाइस, इसको कितनी चोट लगी है। मैं मुझे ये देखा नहीं जा रहा, ये किसने किया है? और क्या, तुम्हारे इंसानों ने। मुझे पता है ये किन किनों ने किया है, किन किन का हाथ है इसमें। क्या ये सब लोग कितने निर्दय हैं गाइस? इन लोगों को, कितने मासूम जानवरों को उन लोगों ने मार दिया। और तो और, हम लोग भी मारे जाने वाले थे, लेकिन मैंने इन्हें बचा लिया। तुम एक बहुत ही अच्छे योद्धा हो मेरे दोस्त, तुम हमारी हेल्प करोगे। लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? मैं इंसानों के खिलाफ नहीं जा सकता, मैं भी तुम्हारी तरह एक मामूली हूँ। वैसे तुम लोगों को देख के तो मुझे भी रोना आ रहा है, ये तो गलत बात है। इंसानों ने एनिमल्स को ऐसे कैसे कर दिया यार? यहाँ पे तभी सोचू गाइस, देखो पूरा का पूरा जंगल तबाह कर दिया है। माउंटेन के ऊपर बहुत सारे केमिकल रिएक्शन हो गए, जिसके कारण अभी यहाँ पे एक भी पेड़ नहीं है। पहाड़ों पे कोई जानवर नहीं रहते क्या? सब लोगों को मार दिया इन लोगों ने। रोना धोना बहुत हो गया, हम सारे एनिमल्स मिलके तुम्हें शक्तियाँ देंगे। क्या तुम इसके लिए रेडी हो? हाँ, मैं तुम्हारा सेवा करने के लिए रेडी हूँ। मैं तुम्हारा ही सब कुछ हूँ। इंसानों ने जो किया है उसका बदला लेने के लिए, एनिमल्स ऑफ द गॉड्स, मैं आपसे शक्तियों की विनती करता हूँ। इस एनिमल्स को, इस इंसान को वो शक्तियाँ दो जो कि हमारा बदला ले सके। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? वोट, ये क्या, तुमने मुझे ये क्या बना दिया? अब तुम बन गए हो जीते जागते शेर। वो, मैं तो एक टाइगर बन गया हूँ। हाँ बंदर, मैं तुम्हारा बदला लेके रहूंगा, ना मेरे पास कोई शक्तियाँ है। वो तुम्हें अपग्रेड होते होते मिल जाएगी। तुम जितने अच्छे काम करोगे, गॉड ऑफ एनिमल्स तुम्हें शक्तियाँ प्रोवाइड करेंगे। ओके, मुझे बताओ तुम्हारा ये हाल किसने किया है? मुझे पता है, एक है बेलास गैंग। ओके, अब समझ में आ गया। ये बेटा, मैं बाइक के ऊपर, और अब चले खत्म करते हैं बेलास गैंग को। पहला विलन जिसने एनिमल्स को तंग किया, मैं उन्हें छोड़ने वाला। ह्यूमन टाइगर आ रहा है तुम्हें खत्म करने के लिए। लेकिन गाइस यार, आप लोग देखो कितने निर्दय इंसान हैं। मुझे नहीं लगा था, मैं इंसान बहुत ही गंदा हूँ। अच्छा हुआ था मैं कोई एनिमल में तब्दील हो जाता, मुझे कोई इंसान बनना ही नहीं है। आज के आगे मैं इंसान कभी नहीं बनना चाहूंगा। अगले जन्म में मैं एनिमल बनने की ख्वाहिश मांगता हूँ। बहुत बढ़िया, लेकिन तुम्हारा इसमें कोई कसूर नहीं है। ये देखो, यहाँ पे भी बहुत सारा जंगल था, ये भी धीरे धीरे जा रहा है। सही कहा, तुम तो बहुत सही बोल रहे हो। गलत बात है ये सब कुछ करना, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इसे सुधारूंगा। मैं आ रहा हूँ बेलास गैंग। गाइस, पूरी की पूरी स्ट्राइकर फैमिली, हम इनका खात्मा करेंगे, लेट्स गो। वैसे गाइस, मैं यहाँ पे पहुँच गया हूँ। मुझे अभी अभी पता लगा है कि यहीं पे कहीं पे बेलास गैंग है, जो कि फिर से नेचर को तबाह करने के लिए विलेज के अंदर आ गई है। लेकिन मुझे बस उन्हें अभी ढूंढना है। यार ये देखो यार, यहाँ पे बेहद खतरनाक जंगल था, पूरी जगह इन लोगों ने प्लान कर दी। ओके गाइस, मैं यहाँ पे पहुँच गया हूँ। मेरे हिसाब से ये देखो, ये रही बेलास गैंग। जो मुझे अपनी जगह देगा, नहीं देगा ये ले, मुझे कुछ भी करके ये जगह चाहिए। अरे बाप रे बाप, ये क्या, इन लोगों ने मुझे देख लिया। चिट 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 चिट, भागो 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 भागो, यार इनके पास तो गन है। एक काम करो, अपनी शक्तियाँ यूज करो। तुमने ये सब कुछ किया तो तुम्हें एनिमल ऑफ गॉड्स पावर प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, तुम लोगों ने एनिमल्स को तंग किया।
किया। तो मैं आ गया हूँ। टाइगर को बैट की पावर्स मिल गई है। इट्स टाइम टू फन। या एनिमल्स, ये सब कुछ तुम्हारे लिए। तुम्हारा टाइगर तुम्हें ये इंसाफ दिला के रहेगा। बेलाज गैंग, तुमने बहुत गलत किया है। बहुत बढ़िया, तुम इतने काबिल योद्धा हो, मुझे नहीं लगा था। तुम्हारे ऊपर दाव खेल के मैंने अच्छा काम किया, वैसे तुम्हें मेरी कम समझ रहा था। वैसे पहाड़ के ऊपर रहने वाले शेर, तुम मेरी तारीफ कर रहे हो, मेरी बेइज्जती कर रहे हो। तारीफ कर रहा हूँ। ओके, ये ले, सबका गेम बजा दिया। यहाँ पे अंकल जी आ गए हैं। अंकल जी जल्दी बताओ किसने तुम्हें यहाँ पे भेजा है, नहीं तो मैं तुम्हारा काम तमाम करूँगा। जल्दी बोलो। अरे बेटा, नहीं, टोनी स्टार्क। क्या टोनी स्टार्क, ये किस चिड़िया का नाम है? मुझे पता है, ये एक एवेंजर्स है। ओह शिट, एवेंजर्स भी ये काम करने लगे? सही कहा, जाओ उसे तुम्हें रोकना है। इसके पीछे टोनी स्टार्क है। टोनी स्टार्क को तुम्हें खत्म करके उससे बदला लेना है फ्रैंकलिन। सही कहा एनिमल, चला टोनी स्टार्क को खत्म करने। लेट्स गो। फाइनली मैं मेंशन के ऊपर पहुंच चुका हूँ। ये रहा टोनी स्टार्क का मेंशन। घुसपैठियां। अरे यार, इसने मुझे देख लिया। भागो। तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? ये ले, आयरन मैन के मेंशन के ऊपर तुम तबाही मचा रहे हो। टोनी स्टार्क, तुमने जंगल को तबाह किया है। क्या कहा, किसने फैला ये अफवाह? टोनी स्टार्क ऐसा काम नहीं करता। मुझे नहीं पता, तुमने माउंट चिलियार्ड को खोखला कर दिया है। अब मैं छोड़ूंगा नहीं। मेरे पास ये क्या हो रहा है? नहीं। वो ये क्या बन गया मैं? गाइस, सामुराई टाइगर। वाओ, अब तो टोनी स्टार्क तुम गए। बच्चे, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो बताओ? मैंने किसी को तंग नहीं किया, हम एवेंजर से। वही तो तुम्हारी गलती हो गई, तुमने एनिमल्स का खून चूसा है। तुम लोग अच्छे नहीं हो, बुरे हो। ये क्या, तुम कैसे इतने ताकतवर हो? मेरे सूट के सामने कैसे टिक पा रहे हो? ये एनिमल ऑफ गॉड्स ने मुझे शक्तियाँ दी है। क्या कहा, गॉड ऑफ एनिमल्स? सॉरी, रुको, मारना मत करो, मुझे बताओगे क्या हुआ है? ये ले। बात सुनो फ्रैंकलिन उसकी। ओके, मैं बात सुन रहा हूँ शेर, देखते भी क्या बोलता है। बाबा, हड्डियाँ टूट दी। मैं सब कुछ बताने के लिए रेडी हूँ, बस मारना मत। इससे पूछो, माउंट चिलियार्ड को तुमने बर्बाद क्यों किया? और वो बंदा टोनी स्टार्क का नाम क्यों ले रहा था? मुझे एक बात बताओ, तुमने बैलेंस गैंग को कुछ मिशन दिया था क्या? अरे हाँ, मैंने तुम्हें मेरा कचरा फेंकने के लिए कहा था, जो कि वेस्ट होता है आयरन मैन की सूट बनाने के लिए। ओ, अब समझा। और उन्होंने मुझसे खरीद लिया था $1 million में। उसके अंदर बहुत सारे हाईटेक पार्ट्स थे, मुझे लगा उन्हें टेक्नोलॉजी के लिए चाहिए। लेकिन उसका और माउंट चिलियार्ड से जंगल गायब होने का क्या मतलब? मुझे तो लगता है उसका इस्तेमाल गलत गैजेट बना दिया, और जिससे एनवायरनमेंट को प्रॉब्लम हो रही है। ऐसा कौन कर सकता है, कुछ बता सकती हो? सही कहा, मुझे पता है, डॉक्टर ऑक्टोपस, स्पाइडरमैन का विलन। यार, स्पाइडरमैन का विलन, ये कहाँ से आ गया? जल्दी जाओ, डॉक्टर ऑक्टोपस कुछ भी करता होगा। मैं उड़ पा रहा हूँ। वाओ, तुम्हें गॉड ऑफ एनिमल्स ने शक्तियाँ दे दी है। चलो, मैं तुम्हें डॉक्टर ऑक्टोपस के लैब के पास पहुँचा देता हूँ। शुक्रिया टोनी स्टार्क, लेकिन कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें पहले पता करना चाहिए था एनिमल्स का क्या हाल होगा। सॉरी, मुझे नहीं लगा था, माफ कर देना। गाइस, एवेंजर्स से भी गलतियाँ हो जाती है, मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है। मुझे लोकेशन मिल चुकी है, यहीं पे कहीं पे लैब है। द गॉड ऑफ टाइगर्स का एकलौता योद्धा आ रहा है। फाइनली मैं यहाँ पे पहुँच गया हूँ। यहीं पे कहीं पे तो डॉक्टर ऑक्टोपस होगा जो ये सब कुछ कर सकता है। वही यहाँ पे टोनी स्टार्क का इतना इंटेलिजेंट है, जो कि बैलेंस गैंग से गैजेट लेके ऐसे हथियार बना सकता है। थोड़ा पीछे जाके देखना पड़ेगा। डॉक्टर ऑक्टोपस ने टोनी स्टार्क के इन इक्विपमेंट से क्या बना दिया? देखो, जमीन को 2 मिनट में बर्बाद करने वाला, जंगल को गायब करने वाला। ये पानी की बूंदे जंगल के ऊपर गिरेगी, तब जंगल पूरी तरीके से नष्ट होगा। क्या कहा, पूरी तरीके से नष्ट होगा? तभी सोचो फ्रैंकलिन, जब यहाँ पे बारिश हुई थी माउंट चिलियार्ड के ऊपर, तभी ये सब कुछ हुआ था। इसका मतलब इसने ऐसा केमिकल बनाया टोनी स्टार्क की गैजेट से, जो कि चुटकियों में बिजनेसमैन को पूरी जमीन प्लेन करके दे सकता है। वहाँ पे कोई भी पेड़ पौधा नहीं उग सकता। मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। ये क्या, तुम कौन हो? तुमसे तुम्हें बाद में निपटूंगा, अब मैं लॉस एंटोस के सारे जंगल को तबाह करने जा रहा हूँ। रुको, तुम ऐसा नहीं कर सकते, मेरी सेना तुम्हें देख लेगी। अरे यार गाइस, ये गड़बड़ हो गई,
यार डॉक्टर ऑक्टोपस तो यहाँ से भाग गया, ये सब कुछ वही कर रहा था। उसने एक ऐसा केमिकल बनाया जो कि पूरे अर्थ के एनवायरनमेंट को गायब कर सकता है, क्योंकि आपको पता है बिजनेसमैन के पास बहुत सारी जगह होती है, उनको पूरी तरीके से नष्ट करने में उसके ऊपर से पेड़ पौधे हटाने के लिए बहुत सारा पैसा लगाना पड़ता है। इसीलिए डॉक्टर ऑक्टोपस ने एक गंदी हरकत की है, पेड़ पौधों को जड़ से उखाड़ने का। वहाँ पे कभी भी पेड़ पौधे नहीं उग सकते। ये देखो ये पूरा का पूरा पहाड़, ओह माय गॉड, ये तो गलत बात है यार, इंसान ऐसे क्यों करते हैं नेचर के साथ, पूरा पहाड़ गायब कर दिया, एक पेड़ तक नहीं है। मैं छोड़ूंगा नहीं डॉक्टर ऑक्टोपस तुम्हें, ओ तेरी। ये क्या, ये तो डॉक्टर ऑक्टोपस की सेना लगती है, अब मैं क्या करूँ, मेरे पास तो इतनी शक्तियाँ नहीं है। कोई बात नहीं फ्रैंकलिन, उनका सामना करो तुम्हें शक्तियाँ मिल जाएगी। अरे अरे इसका मतलब क्या है? ओके, इसका मतलब मुझे पता है, मरो या मारो लेकिन इनका सामना करो। जाओ जाओ जाओ, मेरे साथ ये हो क्या रहा है? नहीं 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 नहीं, ये क्या असली वाला बड़ा टाइगर, मजा किया। मैंने कहा था तुम्हारे साथ गॉड ऑफ एनिमल्स है, तो डरने की क्या बात है, तुम एनिमल्स के लिए उनकी खातिर लड़ रहे हो। साइका ये लो, तुम्हें से नहीं मानने वाले, तुम लोगों ने बुरा किया है, तुम लोगों ने एनिमल्स को तंग किया है, ऊपर से तुम लोग मुझे रोकने की कोशिश कर रहे हो। डॉक्टर ऑक्टोपस को रोकना था समझे, ये लो ये खाओ, ये लोग तुम्हारी नहीं रहे। एक अल्टीमेट स्मैश, मैं हूं टाइगर। लगता है ये सब कुछ हार गए, वैसे मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। शिट शिट शिट, जल्दी करो बच्चे, वो डॉक्टर ऑक्टोपस कभी भी तबाही मचा सकता है शहर में। सही कहा, मुझे उस डॉक्टर ऑक्टोपस को रोकना पड़ेगा। क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ? फ्रैंकलिन, मुझे समझ में आ गया, तुम ही हो वो। हाँ टोनी स्टार्क में ही हूँ, मैं एनिमल्स के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। एक काम करो, मुझे समझ में आ गया डॉक्टर ऑक्टोपस ने किया क्या है। लॉसिंटोस के मेन टैंक के ऊपर एक न्यूक्लियर बॉम्ब लगाया गया है, जिससे लॉसिंटोस के सारे पेड़ पौधे गायब हो जाएंगे। यार यहाँ पे तो पूरा रेगिस्तान बन जाएगा, पूरा मेज बैंक। मैं उसे रोकने की पूरी कोशिश करूंगा टोनी स्टार्क, मैं छोड़ने नहीं वाला। फाइनली मैं पहुंच रहा हूँ वहाँ पे। फ्रैंकलिन, गॉड ऑफ एनिमल्स तुम्हारी हेल्प करेंगे, तुम अपनी पूरी कोशिश करना। सही कहा, ये रही मिसाइल। आप लोगों को मिसाइल दिखी या नहीं दिखी, लेकिन गाइस ये एक सबसे अजीबोगरीब मिसाइल है। मैं एक शेर हूँ, मुझे एनिमल्स को बचाना है। टाइगर आ रहा है, एनिमल्स कैसे वैसे करके मैं ऊपर चढ़ रहा हूँ। ये तो बहुत मुश्किल का काम है, कोई बात नहीं, लेकिन एनिमल्स के साथ जो हुआ है वो बहुत ही गलत है। ये देखो ये रही मिसाइल, अब मैं क्या करूँ, इस मिसाइल को कैसे रोकूं? तुम्हारे साथ हम हैं, हम तुम्हें शक्तियाँ देने की पूरी कोशिश करेंगे फ्रैंकलिन। मुझे शक्तियाँ दो। ओह माय गॉड, ये क्या बन गया मैं? फ्रैंकलिन टाइम बहुत कम है, 10 सेकंड। जी हाँ टाइम बहुत कम है। ओके जार्विस, 40 सेकंड रिमेनिंग। अब मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ? मैं एनर्जी को कंट्रोल कर सकता हूँ क्या? वाओ यस, मैं कर सकता हूँ। फ्रैंकलिन, एनर्जी से एनर्जी को तबाह किया जा सकता है, एक काम करो फुल एनर्जी यूज करके देखो। अब बहुत हो गया, अब एनिमल्स को न्याय दिलाने का टाइम आ चुका है। इस एनिमल्स के साथ इंसानों ने बहुत कुछ किया है, ये नहीं होना चाहिए था, ये कैसे कर दिया उन लोगों ने। लेकिन एनिमल्स को मैं न्याय दिलाऊंगा, इंसानों को पता भी नहीं है कि उन्होंने क्या किया है। बहुत बढ़िया फ्रैंकलिन, यही एनर्जी चाहिए। और टोनी स्टार्क, ये सब कुछ एनिमल्स के लिए। सही कहा फ्रैंकलिन, बहुत बढ़िया, माय गॉड शुक्रिया फ्रैंकलिन, बहुत बढ़िया। मिसाइल डिसकंटिन्यू। गाइस ये मिसाइल तो गायब हो गई। ओह वाओ, मैंने कर दिया, मजा आ गया। डॉक्टर ऑक्टोपस तुम यहाँ पे? सही कहा, मैं यहाँ पे, इसके अंदर बहुत पैसे लगे थे, बिलियंस डॉलर, आप ये तुम्हें भरने पड़ेंगे। ऐसी बातें तो आ जाओ, मैं भरता हूँ। आ जाओ, ये क्या पीछे से बात, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं डॉक्टर ऑक्टोपस। ये ले फ्रैंकलिन, चिंता मत करो, मैं आ गया, इसमें मेरा भी हाथ था, बस के साथ मैंने बहुत बुरा किया है। टोनी स्टार्क मारो उसे। ये क्या, नहीं ये क्या कर लेगा, अब मैं सब कुछ करूंगा। टोनी स्टार्क हट जाओ, अब तुम गए डॉक्टर ऑक्टोपस। ये ले, तुम मुझे नहीं हरा सकते। टोनी स्टार्क इसे हराएगा जरूर। छोड़ूंगा नहीं डॉक्टर ऑक्टोपस। ये ले, ये कहा, ये ले।
एनिमल्स के साथ तुम लोगों ने ना इंसाफी किए, जंगल को बर्बाद करके तुम लोगों ने बहुत कुछ किया है। ओके फ्रैंकलिन, अब हम तुम्हें असीम शक्तियाँ दे रहे हैं, इनका काम तमाम करो। ये रहे सारे एनिमल्स, सारे एनिमल्स के लिए। फ्रैंकलिन हमला, सारे एनिमल्स के लिए। खत्म करूंगा डॉक्टर ऑक्टोपस। सही कहा, हमला। बहुत हो गया फ्रैंकलिन, एनिमल्स को तुमने न्याय दिला ही दिया। शुक्रिया, अब तुम नॉर्मल हो, जाओ आजाद हो फ्रैंकलिन। क्या कहा, नहीं। चलो गाइस, फाइनली मैं ठीक हो चुका हूँ, अब मैं इस पेड़ को पानी देता हूँ। फ्रैंकलिन मैं भी आ रहा हूँ। चलो गाइस, इसको अच्छे से लगाते हैं। और आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल पर न्यू चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आप भी वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट के अंदर लिखना मत भूलना। और हाँ गाइस, सेव द ट्री, तब तक के लिए बाय बाय।